अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहसिन इशफाक और मैं एक दफ़ा फिर से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हो गया। और दोस्तों, आज का जो उनवान है वो है बारा कोऊ बाईपास के हसीन और जमील नज़ारे, इसके रिव्यूज़, इसकी रोड की कंडीशन और ये कितना सहूलत दे है रावलपिंडी इस्लामाबाद से मरी हिल स्टेशन के सफ़र के लिए। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की इस खूबसूरत और दिलचस्प मालूमती वीडियो को। मशरकी साइड से जुगी बस स्टॉप आता है, जबकि मगरबी साइड से कायदे आज़म यूनिवर्सिटी एंट्री पॉइंट। इस वक्त हम कायदे आज़म यूनिवर्सिटी एंट्री पॉइंट से 17 मील टोल प्लाजे की तरफ जा रहे हैं, जो कि मरी की तरफ जाता है मरी रोड के ज़रिए से बारा कोऊ बाईपास के अंदर। अगर इस बाईपास के रोड के बारे में हम बात करें तो यकीन माने बेहतरीन कारपेटेड रोड है, जिस तरह पाकिस्तान में मोटरवेज होती है उस तरह से अमल की आप देख सकते हैं। नहायत ही साफ़ सुथरी और चार लेन पे मुश्तमिल बारा कोऊ बाईपास की रोड्स आप देख सकते हैं, जिस पे ड्राइव करने का अपना ही मज़ा है। और आप देख सकते हैं इंडिकेटर्स, पेंटिंग्स और स्मूथ रनिंग रोड बारा कोऊ बाईपास। और आप मुझे भी देख सकते हैं जो कि आपके लिए नज़ारे कैप्चर कर रहा है। बारा कोऊ बाईपास रोड, रोडवे इन इस्लामाबाद। बारा कोऊ बाईपास इज़ अ रोड वे प्रोजेक्ट इन इस्लामाबाद पाकिस्तान। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज टू क्रिएट एन अल्टरनेट रोड लीडिंग टू मरी कश्मीर एंड कलयात। हु स्टार्टेड बारा कोऊ बाईपास हिस्ट्री। द बारा कोऊ बाईपास प्रोजेक्ट वॉज असाइंड एज अ सिग्निफिकेंट टास्क टू द कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी बाय द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। वंस अगेन मोहसिन अशफाक। हाउ लॉन्ग इज द बारा कोऊ फ्लाईओवर? The start point of flyover is at kilometer 6+500 near Jilani town Bara Kahu, and end point is at kilometer 10+000 near Kaziabad Bara Kahu. The length of overhead bridge is about 3.5 km approximately. Pakistan se aane wale tamam sehab bilkasur south aur Karachi wali side ke siyahon ke liye behtareen road ka zariya Bara Kahu bypass, जो कि मरी तक की रसाई को बनाते हैं इंतहाई आसान। और इस रोड, इस बाईपास के आप कंडीशन से देख सकते हैं कि हुकूमत वक्त ने कितना अच्छा बनाया है। कोई तो अच्छा काम किया हुकूमत वक्त। बारा कोऊ बाईपास जो कि ज़रूरत वक्त था रावलपिंडी इस्लामाबाद और लाहौर के शहरियों के लिए। आप पेंट के वर्किंग देख सकते हैं कितनी दिलकश हुई है। और रोड की कंडीशन एक मतलब फिर से मैं कहूँगा कि A1 है, ज़बरदस्त रोड कंडीशन है, नीट एंड क्लीन रोड है बारा कोऊ बाईपास। और आहिस्ता आहिस्ता बारा कोऊ बाईपास की टेरिटरी को हम एंड करने वाले हैं। आप मेरे सामने के नज़ारे को देख सकते हैं कि आपको 17 मील के पहाड़ नज़र आ जाएंगे, जो कि मरी के टोल प्लाजे की तरफ जाता है। और हमारी आज की मंजिल है अयूबिया, जिसके लिए हमने बारा कोऊ बाईपास को चूज़ किया। और आप इस वक्त मारगला के पहाड़ों को देख सकते हैं। ये बाईपास पे आप देख सकते हैं एहतियाती तदाबीर भी लिखी हुई हैं, ख़तरनाक मोड़ के इंडिकेटर दिए हुए हैं, तमाम तर मालूमात फराहम की गई है CDA की जानिब से, ताकि सयाहों को दिक्कत ना हो। दिलकश मोड़ का नज़ारा आप देख सकते हैं जिसका मैं काट रहा हूँ। और ये देखें, मोड़ को काटने के बाद अब मैं 17 मील टोल प्लाजे की तरफ जा रहा हूँ और बाईपास को इख्तिताम करने लगा हूँ मैं। आप मेरे बाएं जानिब देख सकते हैं बारा कोऊ के पहाड़ों के दिलकश नज़ारे। कर सकता हूं कि आपको ये नज़ारे पसंद आएंगे। ये है बारा कोऊ बाईपास बराए मरी कोहाला मुजफ्फराबाद के लिए। तब तक के लिए आप तमाम दोस्त अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरी तरफ से मोहसिन अशफाक की तरफ से अल्लाह हाफिज़। जी अमान अल्लाह दोस्त।